अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? मेरी कज़न की बर्थडे है, लेकिन आज तो नहीं है, नेक्स्ट डे होगी। लेकिन आज भी हम बाहर जाएंगे, फिर कल भी जाएंगे। तो आपको जो है मैं सब कुछ ये दिखाऊंगी। दो दिन का ये व्लॉग है, तो आपने व्लॉग को लास्ट तक देखना है। बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। कपड़े तो मैंने प्रेस करके रख दिए थे रात को ही। मैंने कहा यार ये ना लाइट चली, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। तो बस अभी मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम जो है ना, ये देखें टाइम कितना हो चुका है। और मेरी कज़न ने कहा था कि आपने से 4 बजे आ जाना, लेकिन हमेशा ये होता है कि पानी ना आने की वजह से ना बहुत लेट हो जाता है। तो खैर अब मैं जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ, तो फिर जो है मैंने एक दो जगह पे और चीज़ें लेनी है, तो फिर मैं वहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ कि मुझे क्या लेना। बस मैं तैयार तो हो गई हूँ, बस ये अब बस ये ज्वेलरी जो है ये पहननी है, और बस फिर मैं रेडी, फिर बस गाड़ी स्टार्ट करनी और मैंने यहाँ से चले जाना है। और जहाँ पर मैंने रुकना है मैं देखती हूँ। अभी मैं दो चीज़ सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं आपको वो। मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, और अब जो है अब बस मैं नीचे जाऊँगी, गाड़ी स्टार्ट करूँगी और फिर मैंने चले जाना है, क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो गई हूँ। अब मेरा प्लान चेंज हो गया है, अब मैं लेकर जाऊँगी वहाँ पर डोनट्स मैं रास्ते से ख़रीद के तो वहाँ चली जाऊँगी। तो अभी वहाँ जाकर हमने बर्गर्स भी बनाने हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको साथ साथ शेयर करूँगी। अभी बस जो है मैं जा रही हूँ, लेकिन कमरे की हालत बहुत गंदी हुई है, लेकिन कोई नहीं, आकर तो फिर मैं इसको सेट कर लूँगी। लेकिन अभी मुझे बहुत जल्दी है जाने की, तो अभी बस मैं यहाँ से निकलती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के तो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर हम बर्गर्स कैसे बनाएंगे, क्या रेसिपी है। बहुत मज़े का बर्गर बनने वाला है, मेरी कज़न की रेसिपी है, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डोनट्स तो मैंने ले लिए हैं, ये देखें डोनट्स। अभी ना बस गाड़ी में जिस तरह मैं चला रही हूँ ना, बस कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर रहे हैं। अभी बस कोई फ्लावर शॉप देख के वहाँ से फूल लेती हूँ। मैंने वो डोनट्स की वीडियो नहीं बनाई कि मैं बेकरी में थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। अभी हमने बर्गर्स का भी वो सारा कुछ करना है, मैरिनेशन वगैरह सब कुछ। अब मैंने इसे भेजा है, फूलों का बुके दिखाएगा। मुझे छोटू सा चाहिए, प्यारा सा, अच्छा लग रहा है। फ्रेश है ना फूल जी? फ्रेश है ना जी? फ्रेश अभी बना के रखे हैं। तो ये कितने का है? कितने का है ये जी? कितने का है ये? 800-400 रुपये का। मुनासिब करो, मैं वहाँ से लेती हूँ। मैं हमेशा यहाँ से फूल लेके जाती हूँ 14 अगस्त या जब भी। 800 लगाओ दे। 5 के अंदर बना अफसल है जी, तो कुछ नहीं होता। 500 फिर इंशाल्लाह फिर लूंगी ना, फिर कर लेना। 500 नहीं होगा, 750 रुपये दे। 600 लास्ट देख लो, फिर क्या कर रहे हो तुम? नहीं कर लो, कम कर लो ना। 700 रुपये दे दे, इससे कम नहीं होगा। स्पंज के अंदर बना अफसल चीज बनी हुई, कभी खराब नहीं होगा, पानी के अंदर चलता रहता है। 700 नहीं, 600 कर लो, मेरे पास 600 है। अभी इतना फर्क नहीं है, दे रही हैं आप। तो फाइनली उसने दे दिया है, लेकिन वो उसने कम नहीं किया, बड़ा ही ठीक था। खैर चलो कोई नहीं, लेकिन अपनी कज़न के लिए, उसके लिए तो जान की कुर्बान। बहुत प्यारा फूल है, उसके लिए मैं लेके जाऊँगी। वैसे तो मैंने सोचा था इसमें चॉकलेट रखूँगी, लेकिन चॉकलेट जो है वो नहीं ली मैंने। मैंने पूछा उसको डोनट्स पसंद है, तो मैंने कहा डोनट्स ले लेती हूँ। तो चले अब बस बाकी पैसे लेते हैं और घर चलते हैं। वैसे आपने कम नहीं किए, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कम करना, ठीक है? बच्चा ना वैसे बड़ा ही ढीठ था, बच्चे ने वो कम नहीं किया, तो मैं अब फ्लावर तो मैंने ले लिया, बहुत प्यारा लगा मुझे, तो मैंने कहा वो ले लेती हूँ। लेकिन चलो बस अब पहुँचने ही वाली हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक जो है ना बहुत गंदी होती है, मतलब अचानक से कोई ना कोई रिक्शे वाला आ जाएगा या बाइक वाला आ जाएगा। तो खैर मैं अब बस कज़न के पास पहुँचती हूँ, उसके एक्सप्रेशन देखूँगी। उसे शायद नहीं पता कि मैं आ रही हूँ, उसकी सिस्टर को पता है, तो उसे नहीं पता। ये देखें डोनट्स की क्या हालत हो गई है, वो बस उन्होंने इसी तरह पैक करके मुझे दे दिए थे। टाइम भी कम था, तो बस अब इनको मैं रख के, और वो फूलों का बूके पड़े ये लेकर, तो मैं अब बस अंदर जा रही हूँ घर में। तो मैं पहुँच चुकी हूँ उनके घर में, मैं आ चुकी हूँ। वैसे तो मैं लेट हो गई थी, मेरी कज़न ने सारा काम कर लिया हुआ था, और यकीन करें मुझे इतना बुरा लगा कि यार उसने सब कुछ अकेले कर लिया था। लेकिन बाकी जो हेल्प थी हमने ये सब कुछ जो है, मतलब फ्राइज़ जो फ्राई किए थे, चिकन फ्राई करना था, और जो बीफ बर्गर्स थे वो भी मेरी कज़न ने बनाए थे, हम दोनों ने मिलके काम किया था सब कुछ। और अभी जो है ये चिकन के
जो पीसीज हैं वो मैं फ्राई कर रही थी, उसके क्रम्स बनाए थे। और ये आप कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। हाँ, बीफ बर्गर की जो रेसिपी है वो मेरी कज़न की है, बहुत जल्द इंशाल्लाह इससे मैं रेसिपी ये लेकर तो आपके साथ ये शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है हमने ये बर्गर्स खाए, यकीन कि चिकन बर्गर इतना मज़े का बना था ना कि बहुत ही मज़ा आया। केक जो है हमने वो काट लिया था, यहाँ पर जो है हमने डोनट्स के ऊपर कैंडल्स लगा के अपनी कज़न की बर्थडे की, थोड़ा न्यू और अच्छे तरीके से, और बहुत ही मज़ा आया था और बहुत ही मज़े के ये डोनट्स थे माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं आपको अपने फेवरेट पेपर से भी मिलवाऊंगी, ज़रूर मिलवाऊंगी, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही मुझे प्यारा लगता है, वो मेरा फेवरेट है। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। और यहाँ पर जो है हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, Happy birthday to you, happy birthday dear Sam, happy birthday to you. बल्ली क्या लग चल रहा है? और यहाँ पर जो है मली जो है सबकी चाय जो है वो काम कर रहे हैं। सीरियसली यहाँ पर वली हमें डराने आया था, वो बेचारा खुद ही डर गया, उल्टा यही डर गया था उसे। मगरिब का टाइम हो गया था चाचू के घर में, तो मैंने कहा यार मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो बस मैं और मेरी कज़न हम ऊपर रूम में आ गए थे तो हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम बाहर आए तो यहाँ पर कज़न ने इतवार बाज़ार लगाया हुआ था शूज़ का, तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी रिकॉर्ड किया जाए। उसके बाद हमने मज़े की कॉफ़ी पी थी, ये इतनी मज़े की कॉफ़ी है ना, इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी, एक व्लॉग बनाऊंगी, ये बहुत ही मज़े की है। और मेरी कज़न जो है ना ये हमेशा मुझे पिलाती है, जब भी हम बाहर जाएं तो इसने ये कॉफ़ी ज़रूर पिलानी होती है क्योंकि ये बहुत ही मज़े की है, बहुत ही कमाल है और बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत ही मज़े की है ये। मैं घर आ चुकी हूँ, तकरीबन 11:30 हो चुके हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो अब मैं आ चुकी हूँ और अब इतनी थकावट हो गई है कि अब दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।